टिम्बर की खेती करें, पेड़ लगा दें, तो 15-20 साल में परमानेंट इनकम का सोर्स बन सकता है और जमीन को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, जमीन को अतिरिक्त फायदा होने वाला है, उस दिशा में काम करते हैं हम। कृषि के साथ फिशरीज, पोल्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क प्रोडक्शन, दूसरा वैल्यू एडिशन, इनकम बढ़ाने के लिए जरूरी नहीं है कि एग्रो प्रोडक्ट ही बढ़े, वैल्यू एडिशन से। अब अभी हमने एक निर्णय किया, कोका कोला कंपनी के साथ हमने दबाव डाला, उससे बातचीत की, लेबोरेटरी में टेस्टिंग करवाई, हमने आग्रह किया कि आप कोका कोला के अंदर 5% नेचुरल ऑरेंज जूस मिक्स करिए। और मुझे खुशी है कि अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ उनका एग्रीमेंट हुआ और विदर्भ के अंदर जो संतरा पैदा होता है वो संतरा अब कोका कोला के अंदर 5% मिक्स होगा, तो विदर्भ का किसान का संतरा बिकने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो हमारे किसान हमें वैल्यू एडिशन की दिशा में प्रयास करना होगा। और इसलिए अगर हम आलू किसान बेचता है तो कम कमाई होती है, लेकिन वेफर बनाकर के बेचता है तो ज्यादा कमाई होती है, हरी मिर्ची बेचता है तो कम कमाई होती है, लेकिन लाल मिर्ची का पाउडर बना करके बेचता है तो ज्यादा कीमत मिलती है। हम लोगों ने वैल्यू एडिशन पर बल देना शुरू किया है, जिसके कारण हमारे किसान की इनकम में बढ़ोतरी होना पूरी तरह लाजमी है। उसी प्रकार से ब्लू इकोनॉमी, हमारे जो सागर खेड़ू है, जो हमारे फिशरीज में हमारे फिशरमैन लगे, हमारे समुद्री तट पर सीवीड की खेती पूरी संभावना है। आज दुनिया में फार्मास्यूटिकल के मैन्युफैक्चरिंग में बेस मटेरियल के लिए सीवीड बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरा है। हमारे फिशरमैन के परिवार समुद्री तट पर आराम से सीवीड की खेती कर सकते हैं और वो सीवीड की मार्केटिंग और हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को हम टाई अप करें, हमारे फिशरमैन की इनकम भी हम बढ़ा सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो सोचते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम किसानों की आय बढ़ा नहीं सकते, ये निराशा का कोई कारण नहीं है। अगर हम वैज्ञानिक तरीके से उसी प्रकार से नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, आज नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के द्वारा, ई प्लेटफॉर्म के द्वारा किसान अपने गांव में बैठ करके ये तय कर सकता है कि अगर महाराष्ट्र के अंदर उसकी पैदावार की कीमत ज्यादा है वहां बेच सकता है। 14 अप्रैल बाबा साहब अंबेडकर की जन्म जयंती पर ये सरकार इसको लॉन्च करने जा रही है। किसान अपनी जहां ज्यादा कीमत मिलेगी वहां मार्केट में जाने के लिए उसको सुविधा मिलने वाली है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम किसान की आय, हमारे यहां दुनिया में हनी का बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन भारत में हमारे कृषि क्षेत्र में हनी बी को वैज्ञानिक तरीके से कोई प्रयास नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन तक अवेलेबल नहीं है, हमने इसका बल दिया है। अगर उस पर हमारा किसान काम करता है और हनी बी को बिगड़ने का सवाल नहीं होता है, लंबे अरसे तक रहता है, हमारे किसान की इनकम में वो अतिरिक्त बढ़ोतरी कर सकता है। हमने किसान की इनकम बढ़ाने के लिए और पहलुओं पर बल देने की दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। चेयरमैन श्री, यहां पर स्वच्छता की चर्चा हुई और यह कहा गया कि भाई ये काम तो हमारे समय भी चलता था, हमने किसी चीज की बात नहीं कही है, ये सब आप ही की देन है जी। हम कभी क्लेम नहीं करते हमारी देन है, आप ही की देन है कि आज हमको दिन रात मेहनत करके स्कूलों में 4 लाख टॉयलेट बनाने पड़े। आपने अगर बना करके दिया होता तो काम हमारा कम हो जाता। और इसलिए कोई ये नहीं कहता, कहने का तात्पर्य समस्याएं पुरानी है, समस्याएं नई नहीं है, समस्याओं का समाधान करने के प्रयास अविरत चले हैं। हर किसी ने अपने अपने समय उसमें कुछ न कुछ जोड़ने का प्रयास किया है, उस समय की स्थिति के अनुसार, अवेलेबल रिसोर्सेज के अनुसार हमने भी एक प्रयास किया है। और यह खुशी की बात है, देखिए 1986 में सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम आया था, तब से लेकर के रिकॉर्ड पर इन चीजें अवेलेबल है, उसके बावजूद भी हम अभी तक
परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते। परिणाम प्राप्त करना है तो हमने जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। और मैं आज इस बात को संतोष के साथ कह सकता हूं कि आज स्वच्छता ये जन आंदोलन बनने की दिशा में जा रहा है। हमारी संसद ने देश आजाद होने के बाद कभी भी स्वच्छता पर डिबेट नहीं की थी, पहली बार इस देश में पार्लियामेंट ने दो दो तीन तीन घंटे तक स्वच्छता पर चर्चा की। हो सकता है सरकार की आलोचना हुई होगी, लेकिन कम से कम इस सदन के लोग, उस सदन के लोग इस बात पर सेंसिटाइज हुए हैं कि अब इसको ऐसे नहीं रहने देना चाहिए, बदलना चाहिए। एक अच्छा माहौल बन रहा है, हम सब उसको बल कैसे दे उस दिशा में सोचे। कोई दावा नहीं करता है कि हम ही लाए हैं, जो है उसको हमारे बाद कोई आएंगे तो वो उसको इंप्रूव करेंगे, उनके बाद कोई आएगा और इंप्रूव करेंगे, और हो सकता है कि स्थिति ऐसी है कि करना ना पड़े, वो जन सामान्य का विषय बन जाए, लेकिन हमें करना होगा। और जब तक हम इसको नहीं करेंगे, हमने अभी शहरों की एक चैलेंजिंग मोड में कॉम्पिटिशन शुरू किया है, उसका परिणाम ये आया है, अर्बन मिनिस्ट्री कर रही है, आज शहरों में उस शहर की इलेक्टेड बॉडी पर दबाव बढ़ रहा है कि भाई उन तीन में तुम्हारा नाम क्यों नहीं, हमारे शहर का नाम क्यों नहीं है। मैं बनारस का एमपी हूं, बनारस के नागरिक बनारस म्यूनिसिपैलिटी पर दबाव डाल रहा है कि भाई क्या बात है, ये स्वच्छता के अंदर बनारस क्यों नजर नहीं आ रहा है। जनता का प्रेशर बढ़ रहा है, ये बढ़ना चाहिए, ये बढ़ना चाहिए। और मैं तो चाहता हूं आप भी जहां जहां हो आप भी ये प्रेशर बढ़ाइए, सरकार को मजबूर कीजिए, सभी इलेक्टेड बॉडीज को मजबूर कीजिए। हम स्वच्छता को हमारे देश हित का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम माने। महात्मा गांधी का जो सपना था 2019 में पूरा करना हम सबका दायित्व क्यों नहीं हो सकता। ये सरकार उस सरकार का नहीं हो सकता है मेरे सभी माननीय सदस्यगण, ये हम सबका होना है। मैं देख रहा हूं मीडिया हाउस दुनिया भर के विषय में हमारी आलोचना करते हैं, सरकारों की आलोचना करते हैं, ये एक विषय ऐसा है कि देश का मीडिया पार्टनर बना है। कहीं ना कहीं मीडिया के लोग इस काम को कर रहे हैं, खुद कार्यक्रम कर रहे हैं, खुद उसको प्रमोट कर रहे हैं। इसको एक हम सबका कार्यक्रम बनाएंगे तो देश के और देश को टूरिज्म बढ़ाने के लिए काम आएगा। और स्वच्छता जो पूंजीपतियों का विरोध करते हैं उनके लिए तो सबसे पहले करने जैसा काम है, क्योंकि WHO का रिपोर्ट कहता है, इंटरनेशनल एजेंसी का रिपोर्ट कहता है कि गंदगी के कारण गरीबी में जीने वाले परिवारों को सालाना एवरेज 7,000 रुपया दवाई में खर्च होता है। अगर ये उसकी बीमारी जाए इसके कारण कितनी बड़ी सेवा होगी। और मैं मानता हूं ये काम ऐसा है जो हमें किसी भी प्रकार की वनकन सिवाय, जिन्होंने किया है उससे हम आगे बढ़ाएं, जितना किया है उसको और अधिक करें, इस रूप में हम करेंगे तभी इस देश को। अभी मैं छत्तीसगढ़ गया था, मैंने एक मां के पैर छुए, आदिवासी मां, पढ़ी लिखी है, 90+ उम्र है, उस मां ने अपनी तीन बकरियां बेच करके टॉयलेट बनाया। उस गांव में वो पहली महिला थी जिसने टॉयलेट बनाया। हम लोगों के लिए इससे बड़ा इंस्पिरेशन क्या हो सकता है। और इसलिए मैं चाहूंगा इसको सरकारी कार्यक्रम, पक्ष का कार्यक्रम, ये सरकार वो सरकार की सीमाओं में न बांधे, उसको देश हित के लिए सोचे और उसको अगर हम बनाएंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा होगा। कल हमारे सीताराम जी जो उनका बेसिक फिलॉसफी है उसको कल प्रकट कर रहे थे कि इतने एग्जेम्पशन दिखना फला, पता आंकड़ा कहां से लाए वो तो भगवान जाने। हाँ वो आंकड़ा मैं ढूंढा, मुझे मिला नहीं, मैं मुझे बाद में दिखा देना जी वो भाग। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, मैं वो आंकड़े की जरा बताना चाहता हूं, ये जो टैक्स एग्जेम्पशन है जरा हम देखें, ₹10,350 करोड़ रुपये एग्जेम्पशन किसमें, दाल और सब्जी में, क्या हम उसका विरोध करेंगे। 5,800 करोड़ रुपया एग्जेम्पशन किसके लिए, चीनी के लिए, शरद रावत के बगल में बैठे शास्त्र समझा देंगे आपको। 19,120 करोड़ रुपये
एग्जेम्पशन किसके लिए? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, उनके उद्योगों के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए। क्या हम उसका भी विरोध करेंगे क्या? मैं समझता हूं कि कभी कभार बारीकियों में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे जो जिन बातों को लेकर के आपको चिंता हो रही है, यही सरकार है। कल अरुण जी ने बड़े विस्तार से बताया और फाइनेंस की चर्चा होगी तो बताएंगे कि हमने टैक्स किस पर लगा रहे हैं और टैक्स से मुक्ति किसको दे रहे हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और इसके लिए, और जो चीजें हमें विरासत में दी हैं, कभी आपने बाहर से समर्थन करके सरकारें चलाई, उसने जो विरासत में दिए, आज उसी को सफाई करने में हमारा दम उखड़ रहा है। और इसलिए मैं समाप्त करने से पहले एक मशहूर शायर निदा फाजली की जो बात है, अभी अभी उनका स्वर्गवास होगा, उनकी बात कहकर के मेरी बात मैं समाप्त करूंगा। सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो, मुझे गिरा के तुम संभल सको तो चलो, यही है जिंदगी, यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौने से तुम भी बहल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो।